हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 जनवरी 2024 और आप लोगों को मकर संक्रांति की सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुछ किसी जगह पे 14 जनवरी को होता है, किसी जगह पे 15 जनवरी को होता है, तो जिनके यहाँ 15 जनवरी को भी उनको भी एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सोमवार यानी कल यानी 15 जनवरी होगा तो उसके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे चार्ट के हिसाब से कहाँ पर निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, इन सब चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग देखिए, 47,700 के आसपास में क्लोज हो रहा है, कितना है 47,709 पर, है ना, 47,709 पे क्लोजिंग कर रहा है, बहुत ही बढ़िया है। क्लोजिंग में खराबी नहीं है, क्लोजिंग ठीक ठाक है। बस एक दिक्कत क्या है कि ये ऊपर जितना हाई गया था ना, ठीक उतना ही लगभग नीचे लो बनाया था और कैंडल को बीच में लाके क्लोज किया, यानी कि ऊपर 47,873 इसने हाई लगाया था और लो लगाया था 47,408 का। तो क्लोजिंग हाई से अगर लो की बात करते हैं तो 400 पॉइंट का लगभग डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन लो से अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस मिलता है, क्योंकि क्लोजिंग 709 के आसपास में ट्रेड किया हुआ है ऊपर। अब नीचे से लो से देखिए 408 से अगर आप देखते हैं, 400 से देखते हैं तो 700 के आसपास में आया क्लोजिंग, यानी कि 300 पॉइंट नीचे से 300 पॉइंट ऊपर गया। और अगर हाई से अगर क्लोज की तरफ देखते हैं तो वहां से लगभग 150 से 200 पॉइंट के आसपास में आया है, यानी कि कैंडल को जरा मैं जूम करता हूं फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहां पे जूम करता हूं, ये देखिए और ये आ गया, जूम कर लिया। तो यहां पे क्या दिख रहा है, बिल्कुल आप देखेंगे ऊपर की तरफ में 47,873, नीचे लो लगाए 47,408 बिल्कुल सही है और 709 के आसपास की क्लोजिंग है। नीचे एक चीज़ ये दोबारा से साबित कर रहा है, क्या साबित कर रहा है कि 47,400 और 47,500 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया नज़दीकी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़दीक में ये दो सपोर्ट एरिया बन रहा है। 47,400 से 500 इसके नीचे नहीं जा रहा है, बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 47,000, ये वाली कैंडल जो देख रहे हैं ये 47,000 का ये बड़ा वाला सपोर्ट एरिया, इसके नीचे अगर टूटेगा ना तो फिर आपको 100 पॉइंट का फास्ट में मूवमेंट मिलेगा, यानी 46,900 तक का। और अगर ये 46,900 के नीचे निकल गया तो यहाँ से फिर 400 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा डाउनफॉल में 400 पॉइंट, क्योंकि उसका ढंग ढंग का सपोर्ट 46,500 पर मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता, ये समझ में आ गया। ऊपर में जो है रेजिस्टेंस 48,000 का है, तो नीचे 47,000 का बढ़िया सपोर्ट, ऊपर 48,000 का बढ़िया रेजिस्टेंस, 1,000 पॉइंट के रेंज में, नज़दीकी रेंज में 400 पॉइंट में बैंक निफ्टी और ये फंसा हुआ है। 47,400 पर हाई लो लगाता है, हाई लगाता है 800 पर, तो इसका मतलब है कि 400 पॉइंट के रेंज में फंस गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे और भी क्लियर कर लेते हैं। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेड कैंडल देख रहे हैं, ये है रेड कैंडल आपका, तारीख बता दूँ 9 तारीख का, और इसका हाई देखते हैं 9 तारीख का, तो 47,156 का इसने हाई लगाया है, 47,156 ने बल्कि हाई लगाया है 47,940 का इसने हाई लगाया है, यानी कि 47,940 के आसपास का इसने हाई लगाया। तो ये वाला जो हाई है ना, ये पहला बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो 47,940 का हाई अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये 48,000 की बात हो रही है। ये जो 9 जनवरी वाली कैंडल है आप देख रहे हैं, इसका हाई है 47,940 का, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 47,940 का इसने हाई लगाया है। और जब 47,940 की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी आपको बताया था कि 48,000 का इसका ऊपर का तरफ रेजिस्टेंस है, तो 47,940 का मतलब है आप कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास पहुँच गए, क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्ट यहीं पर आएगा, 60 पॉइंट दूरी है ना, तो 48,000 का सपोर्ट एरिया है। 48,000 के ऊपर जाने पर आपको 48,200 तक का रैली आराम से मिल सकता है। आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैंडल जो 5 जनवरी का, इसने हाई 47,381 लगाया था, तो इसका मतलब है कि जब ये 48,000 के ऊपर निकलता है तो ये वाली जो कैंडल है वो 48,200, उसके बाद जब निकलता है तो 200 पॉइंट और रैली करता है, तो ऊपर 48,400 तक मैक्सिमम रेंज आपका बन जाता है। चलिए अब इस चीज़ को हम इंट्राडे पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि सोमवार के दिन पे कहाँ पे लेवल बनता है इंट्राडे पे। तो थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं और फिर समझते हैं, ये देखिए और छोटा कर देते हैं। तो अब चार्ट पे क्या आ रहा है,
आपको ये ध्यान देना है कि 11 तारीख की जो कैंडल आप देख रहे हैं, यहां पर एक इसने प्राइस को लगाया है जिसका भाव आता है लगभग 47,600 का। कितने का भाव आता है? 47,600 का एक लेबल यहां पर आता है, आप देख रहे हैं। और इसी के आसपास में ये देखिए लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, है ना, और वहां से बाउंस कर गया। तो इसका मतलब है अगर सेल करना होगा तो पहले ये एरिया इसको तोड़ना पड़ेगा, 47,650 को तोड़ना होगा। तो सेल किसके नीचे हो सकता है? 47,650 के नीचे, है ना, 47,650 के नीचे निकलने पर एक सेल का एरिया बनता है। 47,650 के नीचे निकलने पर ये लेवल निकलेगा, तो यहाँ से तोड़ते हुए यहाँ की तरफ आएगा जिसका भाव आता है 47,400, और वही एरिया के आसपास फिर ये सपोर्ट बनाता है ना। इसी एरिया पर ये मल्टीपल सपोर्ट बनाया, तो यहाँ से निकलता है तो फिर नीचे की तरफ में टारगेट कैसे खोलेगा? 47,600, 47,500, 47,400 ये। और आप देखिए जब ये 400 को तोड़ देता है, 400 को, तो यहाँ वाला जो लोएस्ट एरिया है 47,100 वहां तक आने का कोशिश करता है। तो इस एरिया के बाद चलिए इसका प्राइस देख लेते हैं, क्या वही प्राइस है? जी 47,200 है, 200 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको देखें तो लगभग 47 लो है भाई, 47,200 300 के आसपास, 275 के आसपास में आता है। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से तो वो प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ये एरिया को ये तोड़ देगा, ये सपोर्ट एरिया को जब ये तोड़ देगा तो फिर इसका भाव आता है 47,650 के आसपास में, 600 भी आप राउंड नंबर ले सकते हैं। तो सेलिंग के लिए 47,600 का वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। 47,600, 650 के नीचे जाने पर ये तोड़ता है, मेरे ख्याल से 600 ज़्यादा बढ़िया लेवल होगा। तो इसके बाद जो वो टारगेट की तरफ बढ़ेगा तो टारगेट लगभग 47,500 से लेके 47,400 का लेवल बनेगा, ये हो गया। और अगर ये 47,400 को तोड़ देता है, यानी इस प्राइस को ये तोड़ देता है, तो आप देखिए जब इस प्राइस को तोड़ता है तो यहाँ पर आता है जिसका भाव आता है 47,300 से 200 के आसपास में। तो 400 के बाद अगर ये निकलेगा तो 47,300 से लेके 1,200 तक का रैली आपको दिखाई दे सकता है, 47,200 तक का रैली आपको मिल सकता है। क्लियर? तो ऊपर से जब गिर रहा होता है बाजार, जब गिर रहा होता है तो आपको पुट ऑप्शन में मूवमेंट बन जाता है ना। अगर आप ऑप्शन बाय रहे तो पुट ऑप्शन में एक मूवमेंट बन सकता है। तो पुट ऑप्शन में जब मूवमेंट बनेगा तो इसके लिए एट द मनी का ही पुट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है। एट द मनी में थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा मिलता है, तो 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल 47,600 में, इसको और बेहतर से लिख दूँ 47,600, ये एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जब इंडेक्स नीचे आ रहा होगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़िया, इसके बाद और समझते हैं इसको। तो 47,000 पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में घूम जाए, है ना, यहीं से मार्केट ऊपर चल जाए। क्यों जा सकता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पर। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, तो चलिए एक लाइन को यहाँ से लगाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से ये सपोर्ट एरिया, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को पकड़ रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को पीछे भी ले जाएंगे तो फिर वो कहीं जाके आपको सपोर्ट पे मैच करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कल ये और ऊपर इस तरह से हो जाए, है ना, यानी कि आपको मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे चांस बना सकता है कि ये मूव कर जाए, यहाँ से टकरा के ऊपर चला जाए और ऊपर चला जाए, और इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी चांस बन सकता है। तो हमें इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। देखिए ले खरीदने का लेवल तो भाई इसके हाई के ऊपर में, ये सही जगह है जहाँ से आप इसके बाइंग पे फोकस कर सकते हैं, अगर खरीदना अगर आप चाहते हैं तो। और जब तक उसके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करे तो मूवमेंट आने के चांस ऐसे कम बनेगा। तो इसका हाई एक बार मार्क कर लेते हैं, तो ऊपर का जो भाव आता है वो लगभग आता है 47,880 का, 47,880 के आसपास में आता है। और अगर हम डेली के चार्ट पर देखते हैं तो 709 के आसपास में क्लोज किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई 780 का मतलब 900, तो 47,900 तो क्लोज कर रहा है 47,700 पर, बोलता है 47,900 के ऊपर खरीदो। ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि 200 पॉइंट ऊपर जाके कैसे खरीदेंगे, तो सही बात है। देखिए एक रिस्क तो लेना बनता है इस जगह पर, अगर ये 47,800 के एरिया को भी ब्रेक करता है, 47,800 का एरिया को भी अगर ये ब्रेक कर जाए तो एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है 47,800 के ऊपर, इस कैंडल के जस्ट ऊपर में।
तो एक रिस्क यहाँ पे बनता है, इसलिए वो रिस्की लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ कि 47,800 के ऊपर निकलने पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 47,800 के ऊपर भी निकलेगा तो एक बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है, और इस कंडीशन में जो टारगेट है ऊपर 47,900 से लेके एक राउंड नंबर का टारगेट जो कि पहले ही बताया था 48,000 वो टारगेट आपको मिल सकता है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 48,100 से लेके 48,300 तक के लेवल फिर आपको दिखाई दे सकता है, जैसा मूवमेंट बनेगा ऊपर में जहां रेजिस्टेंस बना वो 48,300 से 350 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर हैं वो कॉल ऑप्शन की तरफ फोकस करते हैं, तो कॉल ऑप्शन एट द मनी वही 47,800 के स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी का लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने के चांस बनाएगा। मार्केट अभी वीक्स बड़े होने की वजह से मार्केट में ना थोड़ी सी वॉलिडिटी बढ़ी हुई है, इसलिए बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी लगते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा। मैं कई सप्तों से इस बात को बता रहा हूँ कि वीक्स बड़ा है भैया, अभी आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज करें, ना समझ में आए तो ऑप्शन मत करिए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे तो खाना बचेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, तो चलिए अगर हम गैप अप की बात करें और यहाँ पे गैप अप का एक उम्मीद लगाते हैं कि ये कल बहुत अच्छा खुले, एक उम्मीद लगाते हैं, तो 47,700 पे क्लोज कर रहा है, हम उम्मीद कितना ही अच्छा करेंगे लेकिन मैं 500-600 पॉइंट का उम्मीद करता हूँ कि भाई बैंक निफ्टी खुले तो 500-600 पॉइंट खुले तभी हम उसको गैप अप माने। 100-150 पॉइंट का 48,000 का इंडेक्स है, 100-150 पॉइंट का क्या होता है उसका मतलब गैप अप, तो या तो 48,300 पर खुले या 48,200 पे खुले, इसी दो में से किसी एक जगह पे खुले तो ज़्यादा मज़ा आएगा, 48,300 से 200 के आसपास में। अभी डेली के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा था कि ऊपर के साइड में जो एक लेवल आ रहा है वो लेवल 48,300 वाला जो ये लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, ये लेवल क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये एरिया आपके लिए रेजिस्टेंस कर रहा है, तो जब ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो वहाँ के आसपास खुलेगा तो सेल करेंगे ना, तो इसीलिए 48,300 से 200 के आसपास अगर खुलता है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस एरिया के आसपास में अगर खुलता है तो सेलिंग करना चाहिए, गैप अप में सेल करेंगे और टारगेट सेल के साइड में ध्यान देंगे। देखिए मैं फिर से बता दूं, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो टारगेट बनेगा नीचे की साइड में 48,200, अगर ये 48,300 पर खुलता है तो बिल्कुल, 200 पर खुलता है तब भी होगा सेल, ऊपर जाने पर सेल ऑन राइज कर सकते हैं, 48,400 के ऊपर क्लोजिंग जब करना स्टार्ट कर देगा तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, फिर वहाँ पर कॉल साइड में पुट साइड में बैठने का कोई फायदा नहीं है, सेल साइड में बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो 48,200 के आसपास भी सेल कर सकते हैं, इसके नीचे फिर टारगेट बनेगा 48,100 से लेकर 48,048,000 का, ये एक टारगेट बनेगा यहाँ पर, और इसके पास अभी भी एक गैप है, जब ये 48,000 के पास आएगा तो यहाँ ये 47,900 से लेके 47,800 तक का टारगेट दिखा सकता है। ऊपर से पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप 48,100 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दिक्कत कब होता है बायर को, जब मार्केट साइडवेज होता है दोनों रेंज में, ऊपर नीचे एक छोटा सा रेंज बना के घूमता रहता है तभी दिक्कत होता है, अदरवाइज बायर पैसा तब बनाता है जब मार्केट में मूवमेंट फास्ट हो, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो लेकिन फास्ट हो इसीलिए, और सेलर के पैसे तो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वो प्रीमियम खाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। चलिए मैं यहाँ पर अब इसके गैप अप के बाद गैप डाउन लेवल लिखूंगा कि अगर ये नीचे खुल जाए किसी कारण बस, अगर ये नीचे खुल जाता है गैप डाउन, और ये गैप डाउन, ये देखिए गैप डाउन, ठीक है, किसी कारण बस ये गैप डाउन हो जाए और ये यहाँ से ऐसे ऐसे से गैप डाउन मान लीजिए यहाँ खुल गया, डायरेक्ट नीचे भी 500 पॉइंट अगर मानेंगे तो यही एरिया आएगा, है ना, 47,200 वाला एरिया, तो इस एरिया के आसपास खुलता है तो कितना ज़बरदस्त है ना, यहाँ से सपोर्ट लिया, पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, बहुत ही ज़बरदस्त, और अगर ये 47,000 पर खुल जाए डायरेक्ट तो और भी ज़बरदस्त, क्योंकि 47,000 पर देखिए क्या ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो अगर इस ये एरिया क्या तब कहलाएगा, बाय ऑन डीप, ये क्या कहलाएगा, बाय ऑन डीप, ये एरिया क्या कहलाएगा, बाय ऑन डीप,
तो अगर इस एरिया पर कहीं पे खुल जाए 47,000 के जितना नज़दीक, वहाँ पे उतना जल्दी बाय होगा। लेकिन अगर 47,200 पे भी खुलता है तो वहाँ पे भी बाय किया जा सकता है, टारगेट हो सकता है 47,000। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, टारगेट हो सकता है यहाँ पे 47,000 है ना, 47,300 से लेके 47,500 तक का टारगेट के ऊपर में आपको मिल सकता है ये एरिया पर। और अगर अच्छा रहा तो वापस से अपने क्लोजिंग प्राइस यानी 47,700 तक जा सकता है, यानी कि अगला टारगेट 47,700 का भी बन सकता है। इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 47,200 का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अभी जब तक 46,900 के ऊपर हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 46,900 के नीचे जाने पे ही आपको 1,000 पॉइंट का, 500 पॉइंट का कट एक दिन में लग सकता है, इसकी संभावना बनती है। ठीक है, चलिए और अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के तरफ में। चलिए तो निफ्टी का चार्ट को सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं, निफ्टी का चार्ट। अब देखिए निफ्टी का चार्ट, अभी निफ्टी क्लोज कर रहा है 21,900 के आसपास में क्लोज कर रहा है, ये अपने हायर प्राइस के पास में ही क्लोज कर रहा है, तो इसका चार्ट ज़्यादा बढ़िया है बैंक निफ्टी के मुकाबले। आप देखिए, चलिए मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर से, आप देखें तो, चलिए मैं इस लाइन को उठाता हूँ यहाँ, ये देखिए ये है इसका रजिस्टेंस एरिया, ये ट्रेंड लाइन का यहाँ से ये रजिस्टेंस ले रहा है। तो ये अगर रजिस्टेंस एरिया कल के दिन में ब्रेकआउट हो गया तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसका प्राइस कितना आता है इस रेजिस्टेंस एरिया का, इस रेजिस्टेंस एरिया का प्राइस आता है, चलिए मैं यहाँ पे देख लूँ, 21,940 से 50 आ रहा है, लेकिन मैं इसको राउंड नंबर में 21,940 से 950 बोलूँगा। ठीक है, 21,950 ही पकड़ लीजिए, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो एक मूवमेंट आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। टारगेट यहाँ से यानी 21,950 के ऊपर बाइंग हो सकता है, टारगेट 22,000 का पहला वाला लेवल, ठीक है, 22,000 का पहला वाला लेवल, और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो 22,050 यानी 50 से लेके 22,100 22,100 तक का लेवल आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर है, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ये देखिए जब ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाएगा तो कहाँ पे मार्केट रुकेगा ये कोई नहीं कह सकता है, तो एक राउंड नंबर का एरिया भी आप पकड़ के चल सकते हैं। तो 22,100 ये ध्यान रखिए, और यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन आप लेके चला जा सकता है, 21,950 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का बाय साइड। और इसी कंडीशन से अगर हम निफ्टी को सेल साइड देखें तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट तो नज़दीकी में है, जब ये ऐसे गिरेगा तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, पहले भी किया है अभी भी कर सकता है, और अभी भी एक ट्रेंड लाइन पर वहाँ पर रुका हुआ है। तो चलिए उस लाइन को ज़रा हम लोग देखें यहाँ से, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन पकड़ा, ये लाइन लिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया ये लाइन, देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और इस लाइन को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, यहाँ से सपोर्ट पहले भी लिया और ये लाइन अब हम यहाँ से उठा लिए। क्लियर है, तो ये लाइन अब हमारे लिए फिर ट्रेंड लाइन, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये एरिया जब ये तोड़ देगा नीचे में तो फिर सेलिंग आएगा, तो हम इस सेलिंग इस एरिया के नीचे करेंगे। और इस एरिया के नीचे का मतलब है कितना का प्राइस के नीचे आ रहा है, इसका प्राइस आ रहा है 21,850 उसके नीचे आने पर ही सेलिंग का एरिया बन सकता है। 21,850 इसके नीचे आएगा तो ही हम सेल कर सकते हैं, 21,850 के नीचे सेल कर सकते हैं, और जो टारगेट होगा 21,800 और 21,700 ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो बड़ा वाला आप एरिया देख रहे हैं ना, ये 21,700 होता है ये सपोर्ट, तो यहाँ तक आने के चांस बना सकता है, लेकिन पहले 21,800 उसके लिए आप फिर पुट ऑप्शन अगर ऊपर से लेना चाहें तो 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का नॉर्मल लेवल है, लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया तो फिर क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमें समझना होगा कि अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर की साइड में डायरेक्टली, और ये डायरेक्ट मान के चलते हैं कि 22,000 के ऊपर ही निकल गया है ना, देखिए 22,000 के
ऊपर ही सस्टेन करता रह गया, अभी तक का ऑल टाइम का एकदम हाई के ऊपर सस्टेन कर गया 22,000। तो ये अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छा है, कि अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए 22,000 के, जितना ऊपर खुले उतना जल्दी शॉर्ट होगा, और खासकर 22,100 के नज़दीक अगर खुलता है तो बिल्कुल शॉर्ट करना ही करना चाहिए 22,100 के आसपास में, अगर ये गैप अप खुलता है तो। और 22,000 के आसपास में भी खुलता है ना, तो आपको यहाँ पे 22,000 पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए सेल साइड का, कारण कि 22,000 काफ़ी दिनों से ये जाने का कोशिश कर रहा है, जा नहीं पाता। एक बार अगर इसके ऊपर रुका तो फिर ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 22,100 वो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर आपको सेल करने का चांस बन सकता है। तो जितना नज़दीक हो 22,100 के आसपास में सेल करिए। टारगेट जो होगा 22,000, मौका देखिए, नहीं दिया मार्केट मौका तो नहीं करेंगे, देगा मार्केट तो करेंगे। 22,050 से लेके 22,000 का इम्पोर्टेंट लेवल, ये टूट गया तो 21,950 से लेके 21,800 तक के लेवल फिर आपको 900 तक के लेवल दिखाएगा, 21,950 से 21,900 तक का लेवल ये आपको फिर दिखाएगा। फिर ये एरिया जो क्लोजिंग वाला, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये 900 है 900। इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन जो है 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर इसके उल्टा ये गैप डाउन हो जाए, नीचे ही खुल जाए गैप डाउन, तो अभी गैप डाउन के लिए जो चार्ट पे अच्छा लेवल क्या दिख रहा है, यही वाला एरिया दिख रहा है 21,700-21,650 है ना। अगर ये 21,600 पे खुलता है तो फिर तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाय करना ही करना चाहिए। और अगर 21,650 से 21,700 पर खुलता है तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग बन जाती है। इस कंडीशन जो आपको टारगेट बनेगा यहाँ पे 21,750 से 21,900 तक के टारगेट फिर ऊपर में आपको मिल सकता है, और आप इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल है दोस्तों, मंडे के लिए सोमवार के लिए। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, और इन लेवल पर ट्रेड करने से पहले अपनी भी रिसर्च चांसेस जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।